कौन देगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता के गर्भ में तू अकेला था, ना भोजन करता था, ना नौकरी करता था, ना तू सर्विस करता था, ना तू कमाने जाता था। माता के गर्भ में जैसे तू अकेला था तो तेरा भरण पोषण मैंने करा था, माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था, माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था, माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे, दुनिया के लोग दूर बैठकर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, पर शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते? नहीं नहीं नहीं, किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया, और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया तब 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 लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया, पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा, कौन? कालो का काल, जम के तो बोलो, कालो का काल महा काल, बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा, जब दुनिया चली जाएगी ना धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में, तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण कब होगा? जब लोग आग लगा कर चले जाएंगे तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा, तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा, ये जो भस्म है इसकी शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है। तब शिव, तब शंकर, तब ओघड़ी, तब दयालु, तब दाता सामने खड़ा मिल गया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, अंतिम समय में आपको आकर हमारे से जो वादा किया गया है उसको निभाना पड़ेगा। तो भगवान भी कहते मैं निभाऊंगा, मना नहीं है, पर पहले तेरी चित्तवृत्ति में मैं समाहित होना चाहिए। शिव कह रहे हैं तुम्हारी चित्तवृत्ति के भीतर मेरा समाहित होना जरूरी है। अग्नि में, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, थलचर में, जलचर में, प्रत्येक जीव में एक शंभु ही तो है, केवल एक शंभु। Thank you.
वो समाहित हो जाए। पांडे तारा में अखबार आता है क्या? अरे बोलो तो, अखबार आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? अच्छा, शहरों में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, गांवों में भी बहुत पढ़ते हैं अखबार। जहां अखबार छपता है ना, वहां पर बहुत बढ़िया कोरा कागज आता है, बहुत बढ़िया, और उस कोरे कागज पर फिर न्यूज छापी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना, वहां न्यूज छापी जाती है। कितने अखबार निकलते हैं? ढेर। इतना कोरा कागज अखबार की उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में आता है, उस छपाई मशीन में आता है, ढेर अखबार आएगा और लोग उस पर अखबार पर न्यूज छापेंगे। पर कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो, कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, आखिरी में उस अखबार के कागज पर पोया जलेबी ही खाएंगे। अरे बोलो, सही है कि गलत है? मुरमुरा ही खाएंगे उस अखबार के कागज पर। तुम कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, पर वो अखबार के कागज पर भले कितनी भी जोरदार न्यूज छापो, अच्छी से अच्छी छापो, पर उस पर लोग मुरमुरा खाएंगे, या फिर पोया खाएंगे, या समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, या उस पर कुछ भी रखकर खाएंगे, पर वो अखबार का टुकड़ा बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जो शांति वो घट गई, उसमें पोया जलेबी खाया गया। और मान लो जो कोरा कागज अखबार की फैक्ट्री में गया, जो कोरा कागज उस अखबार के कंपनी में गया, उस प्रिंटिंग मशीन में गया, और वहां जो न्यूज छापी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर आखिरी में लोगों ने उस पर कोया जलेबी खाया। मान लो वो ही कोरा कागज जो अखबार की कंपनी में गया, जो अखबार की फैक्ट्री में गया, जो प्रिंटिंग मशीन में गया, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाता और उस पर अगर रामायण और गीता लिखा जाती तो फिर कोई पोया जलेबी खाता? अरे बोलो तो जम के, कोई खाता पोया जलेबी? नहीं। फिर क्या करते? उसको लाल कपड़े में बांध कर, संजो कर, साध कर उसकी पूजन करते। फिर उस पर ना तो कोई पोया खाता, ना कोई जलेबी खाता, ना कोई मुरमुरा खाता। बस जैसे अखबार कंपनी में कोरा कागज गया तो उस पे न्यूज तो छपी, अच्छी अच्छी छपी, पर उसके बाद भी पोया जलेबी खाया गया। पर वही कोरा कागज जब गीता प्रेस गोरखपुर में गया और वहां प्रिंटिंग प्रेस पर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक जब लिखे गए, भागवत रामायण गीता लिखी गई, तो किसी ने उसमें मुरमुरा नहीं खाया, किसी ने उसमें समोसा नहीं खाया, किसी ने उसमें पोया जलेबी नहीं खाया। बस यही हमारा जीवन है। इस कोरे कागज को संसार की कंपनी में डालोगे तो यहां जो छपाई होगी वो मुरमुरा खाने के काम आएगी, और ये जो शरीर है इसको भगवान की भक्ति में डालोगे तो ऐसी प्रिंटिंग होगी कि ये भगवान के काम आ जाएगी। ये कोरा कागज है। इस कोरे कागज को तुम चाहो तो अखबार जैसा बना दो, इस कोरे कागज को तुम चाहो तो रामायण जैसा बना दो। ये कोरा कागज है, मर्जी तुम्हारी है कि कौन सी प्रिंटिंग मशीन में इसको प्रिंट करवाना। आप कौन सी कंपनी में इसको भेज रहे हो, ये आपके हाथ में। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तब तक तुम चिंता मत करना, ऐसा लगेगा तुमको गीता प्रेस गोरखपुर में छपाई चल रही है तुम्हारी। ये मन जो कोरा है ना, इस पे पूरी पूरी छपाई चल रही है। और जब तक तुम कथा में बैठे हो, जब तक तुम सत्संग में बैठे हो, जब तक तुम भजन में बैठे हो, जब तक तुम नाम जाप में बैठे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, तो भी तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर की बहुएं, तुम्हारे घर के पोता पोती सब एक ना एक बार मुंह से कही देंगे कि हमारी अम्मा का रोज का काम है, टीवी पर कथा आती है ना तो कथा जरूर सुनती है, सियोर वाला महाराज की कथा ही, शिव महापुराण की कथा ही, और ये अम्मा हमारी कथा सुनने बैठ जाती है। हमारी अम्मा का ऐसा मन है। बहुएं कई बार, बहुएं भी मोबाइल पर कथा सुनती है, सास भी कहती है, हमारी बहू की इतनी अच्छी आदत है, रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा कथा सुनती है। भले वो बहू दिन में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, सास दिन भर क्या कर रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी, चर्चा उसी की होगी जो तुम सत्संग में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम धर्म में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम संकीर्तन में लगे हुए, और किसी चीज की चर्चा नहीं।
को, इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्त वृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो, उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी कर गई, बताओ उनकी लड़की ने वहां शादी कर ली, बताओ उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ उनने ऐसा कर लिया, ये न्यूज है, छापे जाओ, ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे हाँ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, भगवान का भजन। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी है, इसको मन को तुम कहाँ लेकर जाना चाहते हो, इस चित्तवृत्ति को आप कहाँ लेकर जाना चाहते हो, आप इस पे अगर चाहो तो कोया जलेबी भी खा सकते हो, आपका मन है, अगर आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई करवा कर अर्थात राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण कर शंकर के नाम का स्मरण कर इस मन को जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने अपनी इस कोरे कागज को इस पर न्यूज नहीं छापी, उन्होंने इसको अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, इस चित्त वृत्ति को लगा दिया। फिर उन्होंने इस संसार सागर से कोई मतलब रखा ही, फिर तो उनकी चित्त वृत्ति में जो समाहित हुआ वो तो केवल भगवत नाम, फिर कुछ सूझा ही नहीं, बल्कि और इंद्र को आना पड़ा, वो ध्रुव और प्रहलाद के पास में, और इंद्र को आकर कहना पड़ा कि हमको कुछ आपसे मांगना है, तो पूछ लिया ध्रुव जी ने, पूछ लिया प्रहलाद जी ने, आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, क्या प्रदान करा जाए, तो कहा आपने जो पुण्य करा है, आपने जो दान करा है, आपने जो सत्कर्म करा है, आपने जो पुण्य धारण करा है, वो पुण्य हमको दे दीजिए, वो पुण्य हमको प्रदान कर दीजिए। देखिए इंद्र के पास में अगर मांगने के लिए कुछ नहीं था तो पुण्य मांग कर लेगा, और आपसे भी निवेदन करूंगा ये पुण्य जो आप कर रहे हो ना, ये सत्कर्म जो कर रहे हो, बघेल परिवार अगर शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह के अगर ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, ये पुण्य जो एकत्रित कर रहे हैं, ये पुण्य कोई साधारण नहीं हो सकता, ये पुण्य की प्रबलता बड़ी प्रखर होती है बड़ी। बस डोलना नहीं है हमें संसार सागर में, हमें भटकना नहीं है, दुनिया के लोग संसार सागर में भटकते ज्यादा हैं, बहुत भटकते हैं। एक ये प्रश्न किसी बच्ची ने करा है, अच्छा प्रश्न है महाराज जी, कि पितृ दोष और काल सर्प दोष परिवार में क्यों लगता है, उसका क्या कारण है? किसने प्रश्न करा है जरा हाथ उठाइए। अच्छा माता जी आपने करा है, किरण जी मिश्रा आप ही ने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है, जग कल्याण के लिए है, बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ माता जी के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न, बैठिए मेरा जी। पितृदोष और काल सर्प दोष क्यों लगता है, केवल एक शंकर की आराधना से समझे महाराज। भगवान शंकर को जब जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर के जब प्राण छूटे, तो जलंधर के प्राण छूटने पर वृंदा जब तुलसी का क्यारा बन गई, और वो वृंदा ने श्राप दे दिया है, शिव ये नारायण आपने मेरे साथ छल करा है तो आप शालिग्राम बनोगे, पत्थर बनोगे, पर शंकर आपने मेरे पति को मारा है तो आपका चढ़ा हुआ जल कभी मुझ में नहीं जाएगा, तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं बहुत सारे होते हैं, आप लोगों के सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं, हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया
और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखा। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या काल सर्प दोष पितृ दोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना काल सर्प दोष होता था ना पितृ दोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जीते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा खलियान खेत वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर वो भगवान को बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृ दोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान करा और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है, कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा महाराज, कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौए के अंडे रखे हुए हैं, कौए के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौए के अंडों को, उसने रात के समय कौआ जब सो गया तो उसके अंडों को उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता, अगर ये पांडव जीते नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौए के अंडों को मार दिया, कौए के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें, नहीं भाई ये थोड़ा वंचित होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृ दोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा तब काल सर्प दोष आया। और पितृ दोष पहले नहीं होता था, क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, परिंडा मटका हंडा पितरों का स्थान माना गया, वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष पितृ दोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर कई लोटा उठाकर मंदिर कई पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृ दोष समाप्त होता है, ना काल सर्प दोष समाप्त होता है। पहले
पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से ले। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर मत दीजिए, जो आपके पास में है जो अपना है वो दो। और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वो दो। कहा मात्र एक चावल का दाना कितना, जम के बोलिए, एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है, आखा मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। चार दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है, पांचवें उसका एक कारण है, पांच दिन से चार दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी टूटी फूटी सब चढ़ जाती, पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है पर आज जो चढ़ी है बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है। तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़ा, एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है इस व्यासपीठ पर आए, जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज, सात दिन नौ दिन पांच दिन जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये बारह ज्योतिर्लिंग सात दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल बारह ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है, बारह बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है, वहां का फल एक आनंदी बड़ी प्रसन्न। थोड़ा दो भगवान को पर अच्छा, पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी अच्छी चीज होती ना वो अपने लिए रख लेते, बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी, इतनी खुश होकर चढ़ाओगी भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी, अरे बोले तो कहीं नहीं पहने। पर एक चढ़ा पर अच्छा चढ़ा, एक चावल का दाना चढ़ा अच्छा चढ़ा, एक बेलपत्र चढ़ा भगवान को पर वो अच्छी चढ़ा, एक पुष्प चढ़ा अच्छा चढ़ा, एक वृक्ष की पत्ती चढ़ा पर अच्छी चढ़ा, एक दुर्वा चढ़ा पर अच्छा चढ़ा, एक लोटा पानी चढ़ा पर अच्छा चढ़ा, दिल से चढ़ा। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाए वो चढ़ा। गुरु पूर्णिमा पर जब सीहोर लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए गुरु दीक्षा के समय पर, तो वो अपने अपने घर से बोतल में भी पानी भर कर लेकर आते हैं महाराज, उनका भाव कितना शुद्ध होता है कि यहाँ हम आए हैं तो बाबा के आनंद लेवे, चरण धोवे से तो हमारी इज्जल होवे, भगवान का स्नान करावे तो हमारा इज्जल हो, ये भाव है। अभी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था, आप में से कुछ लोग पहुंचे भी होंगे, कौन कौन पहुंचा था, आप लोग हाथ उठाए, हाँ पहुंचे भी थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए हमने कोई टंकी भरकर नहीं रखी थी कि आपने यहाँ पर टंकी भर दी हो कि इसमें से पानी भर भर के ले जाओ और शिव जी को चढ़ा दो, देखा था आप लोगों ने, नहीं भरी थी ना। कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहां लोटे रख दो, चार पांच कलश रख दो, तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं,
शिव महापुराण का विधान है, कलश भी वही लाए और पानी भी वही लाए। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाए, बोर में से निकाल के लाए, टैंकर से लाए, जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाए। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाए तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना? जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता? पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहां गंगा जली खुली है? अरे बोलो तो सही, शादी में, ब्याह में, या कोई गंगा जी भर के लाकर लेकर आते हैं और फिर गंगा जली खोलते हैं, पंडित जी पूजन कराते हैं, खोली है सब लोगों ने? तो गंगा जली खोलते हैं तो उस गंगा जली के खोलते समय गंगा जी का सुहाग चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते नहीं चढ़ाते? साड़ी चढ़ाएंगे, बिछुड़ी चढ़ाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे, फिर लोटा भी भरेंगे, फिर कलश पूजन भी होगी, फिर गंगा जी को लेके भी आएंगे, फिर मैया आती भी है, शरीरों में लोग हिलते भी हैं, सब कुछ होता है। फिर वहां पर गंगा जी की अगर वस्त्र चढ़ाया, गंगा जी का सुहाग चढ़ाया, गंगा जी की पूजन करी तो साथ में एक की पूजन और होती है, वो भागीरथ जी की होती। बोलो होती कि नहीं होती? फिर भागीरथ के कपड़े चढ़ते, धोती चढ़ेगी, गमछा चढ़ेगा, कुर्ता का कपड़ा चढ़ेगा, जनेऊ चढ़ेगी, भागीरथ जी के कपड़े भी चढ़ेंगे। कि भागीरथ जी के कपड़े चढ़ाए, क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि गंगा को लेकर आने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, अगर हम केवल गंगा की आराधना कर लेंगे तो गंगा उतना फल नहीं देगी जितना देना चाहिए। अगर हमने भागीरथी गंगा का स्मरण करा कि हे भागीरथ महाराज, आप गंगा को लेकर आए थे, 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए लेकर आए, राख के ढेर बन गए थे संत के, केवल एक दृष्टि से वो राख के ढेर बने, 60,000 काकाओं का उद्धार हे गंगा मैया भागीरथ जी महाराज लेकर आए गंगा को। तो इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब गंगा जली खोली जाती है, गंगा की पूजन करी जाती है, गंगा जली का उत्सव जब करा जाता है तो सबसे पहले भागीरथ की पूजन करी जाती है कि भागीरथ महाराज इस गंगा को लेकर आए हैं। तो हे भागीरथ जी, आप गंगा को लेकर आए, आप ही से सीखकर हम गंगा जी को हरिद्वार से, प्रयागराज से, इलाहाबाद से हम भरकर लेकर आए हैं। ऐसी कृपा करना गंगा मैया, जैसे आपने भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करा था, वैसे हमारे पूर्वजों का भी उद्धार कर देना। इस भाव से हम गंगा जी की पूजन करते हैं, भागीरथ के साथ करते, अकेली गंगा नहीं पूजते हम, अकेली गंगा का स्मरण नहीं करते हम, भागीरथी गंगा का स्मरण करते, हम विष्णुपदी का स्मरण करते हैं। तू अकेली ना रहे, सर्व जगत के सुख के लिए तू आनंद देने वाली मां है प्रगति। सर्व जगत का हित देव, आप बाबा को एक अक्षत का दाना दीजिए, बड़े प्रेम से दीजिएगा, बड़े भाव से। एक साधे सब सधे, सब साधे इस तरह। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो तो शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि फिर शिव के सिवा कोई सुहाए। शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाओ हर एक में शंकर, कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि हर एक में कृष्ण नजर आए, राम की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि सब जगह राम नजर आए। पर जितना एक जगह पर आप जाते रहोगे वहां से आपको जो प्राप्त होगा वो सुख का आनंद ही कर देगा, सुख आनंद। जिनके यहाँ पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए।
अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृ दोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सबदुर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेल पत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही, बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ होगा, वो स्वस्थ हो औषधि के लिए। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वह मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज शिलाद नाम का ब्राह्मण, जिनको ऋषि भी कहा गया, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका जम के बोलिए, शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि है, बड़ी बड़े शिव के भगत हैं, शंकर का बड़ो बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना, ओम नमः शिवाय, शिव की भक्ति में डूबे। अब उनकी धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर
स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचे बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर देख लो। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर, श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के सातवें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहरो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो, अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा, ये लोग काशी से आए हुए, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए जो आज विश्वास लेकर आए हुए, दूर दूर से आए हुए, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है, आप उस पर विश्वास भरोसा। भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा, और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा वो पी लो, 50 फीट खोदे फिर पानी लाए, जाओ दोनों 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए, एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला 50 फीट तक। एक चेला था तो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आए। गुरु जी ने पूछा, पानी निकल गया? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरु जी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चल कर देख लो। गुरु जी गए देखने के लिए, तो गुरु जी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहां खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कह रहे, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो, तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है, कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, एक ही जगह खोदो, पानी निकलेगा, करो भजन एक का। पर आदत बुरी है ना तुम्हारी,